आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मानवाधिकार आयोग ने मुंगावली के सरकारी अस्पताल का मुआयना किया और ब्लड बैंक के साथ सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन व सदस्य सरबजीत सिंह ने मुंगावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मिलकर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री जैन ने सबसे पहले ओपीडी और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। मरीजों को किस प्रकार सुविधा मुहैया कराई जाती हैं इसके बारे में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी से जानकारी ली। निर्माणाधीन पीएम हाउस का भी अवलोकन उन्होंने किया। न्यायमूर्ति जैन ने यहाँ आने वाली गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार सुविधाएं दी जाती हैं, एक माह में यहाँ कितने प्रसव कराए जाते हैं, इस बारे में भी जानकारी ली। आ रहे हैं इसी प्रकार से जो रेगुलर एडमिशन हो रहा है 4-5 के आसपास रेगुलर एडमिशन में यहाँ इन्हें कर रहे हैं। डिलीवरी के बारे में हमने पूछा, डिलीवरी ये बता रहे थे 8-10 डिलीवरी जो है ना पर डे की यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ साल में कोई एक आध केस ही तो बहुत ज़्यादा एनेमिक हुए और बिल्कुल एकदम मेच्योर स्टेज पर जो आए जिसके आते ही जो है मिनट और टू एक दो मिनट के अंदर जिससे डिलीवरी हुई वही कोई साल में कोई एक आध केसेस बिगड़े हैं। बाकी 10% केसेस रिपोर्ट्स के हिसाब से सही हुए। अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर नीलिमा सिंह ने आयोग को बताया कि अधिकांश प्रसव तो यहीं कराए जाते हैं लेकिन जिन महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है उनको जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि नगर के लोगों के सहयोग से डॉक्टर हर साल यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगाते हैं। हमारे यहाँ ब्लड बैंक में स्टोरेज ना होने के कारण मरीजों व नागरिकों को सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिस पर न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था कराने के लिए शासन को लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।